हे दोस्तों, आज हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में सबसे स्वादिष्ट खीर कैसे बनती है वो देखते हैं, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दूध ले लेते हैं और उसे टोप में अच्छी तरीके से धीमी आंच पे गर्म कर लेते हैं। अब इसमें करीब आधा घंटा भिगा हुआ चावल ऐड कर लेते हैं और इसे पूरी तरीके से घुल जाने तक अच्छी तरीके से पका लेते हैं, कुछ इस तरीके से। जब चावल पक जाए तब इसमें चीनी ऐड करें। चीनी डालने के बाद एक बार फिर इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इलायची लेके उसे बारीक कूट लेते हैं और इस लगभग हो चुकी खीर के ऊपर डाल के उसे मिला लेते हैं। आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। लीजिए दोस्तों, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ये स्वादिष्ट खीर बनके तैयार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेशन के ज़रिए अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। उससे बड़ी मदद मिलती है। थैंक यू।